ले मम्मी देख देगा मस्त लाग रही करते पर मम्मी जो भाई सरदा जी तैयार हो गई मम्मी तो और ये मौसी। तो गाइस अयोध्या से हमारा भाई आया है एक मनोज उनको छोड़ने आया है। ये देखो अभिषेक वेलकम भाई वेलकम वही ये तो इसको कहाँ से उठा लाए तुम ये तो माधुवीर है आजा मनोज भाई पानी वाने पिले। तो भाई देखो सारे सामान लेके आए शॉपिंग करने शादी की शॉपिंग करके आ गए तुम चलो चलो भाई चलो। तो भाई इतनी दूर से आए अयोध्या से तो आज हम फोटो शूट करवा रहे हैं गाइस। और ये देखो मम्मी की चुनरी इसमें और मौसी फैला के बैठे पूरे कपड़े तो देखो गाइस फोटो शूट होने वाला है सब तैयार हो रहे हैं। तैयार होने में बहुत टाइम लगा दी लेडीज तैयार हो पाऊ घो टाइम लगा ओ भाई साहब ये भी नो अपने घर वालों के साथ में फोटो मत खिंचाओ तो कैमरा मैन 4 घंटे से बैठा है और इनके 4 घंटे बोलते 4 मिनट में आएंगे 4 मिनट में 4 घंटे हो गए उसको। तो भाई जो कैमरा मैन थे वो बहुत देर से वेट कर रहे थे लेकिन ये इतनी देर लगा दी इन लोगों ने भाई क्या ही बोलो आपको मम्मी वगैरह तैयार होने में क्योंकि ये काम करने लग जाती है बीच में। ये बीच में क्या हुआ छाने उठाने लग गई थी कि इधर आइए ना तो ठीक है लग उठाते हैं आप फोटो शूट करवाते हैं फिर मिलते हैं। तो भाई इनका फोटो लेना बहुत मुश्किल काम है कि कोई किधर भागता कोई किधर भागता हाँ बढ़िया लग रही थी। भाई साहब फैमिली के साथ में कभी भी फोटो शूट नहीं होना चाहिए देखो एक कैसे कैसे सारे कितने कन्फ्यूज हो रहे हैं और करण जो है दुल्हा अकेला खड़ा कन्फ्यूज हो रहा है कब कैसे क्या करें। और ये देखो अभी तक कन्फ्यूज है एक फोटो के लिए भी इतने सारे लोग यहाँ पे आए हुए हैं और देखो कितने ज़्यादा कन्फ्यूज हो रहे हैं लोग। और अब मामी के लिए एक पोज है अभिषेक सामने खड़ा है और ये सारे गाँव में जो भी पड़ोसी है परिवार में है वो सभी खिंचवाएंगे सर। तो भाई क्या शोर हो रहा है भाई बहुत अलग ही लेवल का देखो देख नहीं रहा एक साथ स्माइल करो स्माइल ये देख जा मम्मी मम्मी अरे तू बात आते रहे तो खचा ले बात आती रहोगी झांक झांक कहाँ जाग रही है भाई अभी यहाँ फोटो शूट न करवानी चाहिए आपको करते हाँ कैमरा मैन परेशान हो गए भाई परेशान हो रहे थे अच्छा परेशान हो रहे थे यहाँ देख देख कर ये करते लड़ाई नहीं आओ खुनू बुलाना चाहिए बता मौसी खुद का सुराग तो इससे ज्यादा आ रही हाँ मौसी वीडियो ब्लॉग शूट हो रहा था कैसा लग रहा है आपको फोटो शूट करवा के ऐसे आप आपके भतीजे की शादी है ना भतीजे की हमारी मौसी है देखो अभी सबसे छोटी वाली मौसी है और इसका ये भी एक ब्लॉगर है छोटा सा बदमाश। तो भाई साहब ये देखो सारे फोटो शूट करवा के एक एक करके आ रहे हैं और भाई कैमरा मैन बहुत परेशान हो गए इन्होंने भी कहीं ऐसा देखा नहीं होगा ना इसे हाँ भाई ऐसा देखा नहीं होगा ना आपने भी बहुत जगह हाँ वैसे देख रखा होगा आपने एक के बाद एक कभी इधर कभी इधर। तो गाइस हमने फोटो शूट तो कर लिया है एक एक दिन के लिए बहुत सारी फोटो शूट उस दिन मिलेगी और कुछ लोगों ने फोटो गंदी कर दी जो मेरी बहन है इन लोगों ने फोटो गंदी कर दी हमारी जिसमें मेरे भाई ये सब भाई बहुत डरते इसको लेकिन क्या कर रहे हैं लेना ही पड़ता है इनकी फोटो भाई दूल्हे राजा बहुत परेशान हो गया दूल्हे राजा फोटो से यहाँ की लाडली मौसी अड्डी बैठी जा एक अभी अलग ही नखराज है
गाइस देखो शादी वाला माहौल चल रहा है ना, थोड़ा सा तो मजा आ रहा भाई। सारी मम्मी वगैरह सारे एक साथ आ गए, सब मजा आ गया, पूरी फैमिली इधर। और ये देखो मेरे बगल में इधर करते रहते हैं पता नहीं क्या क्या। हां जी गाइस, तो आज हम जा रहे हैं अपनी बुआ जी के, वहाँ पे लगन टीका आने वाला है उसके लड़के के, तो वहाँ पे हम सारे भाई लोग जा रहे हैं। इसका थोड़े दिनों बाद में आएगा, लेकिन आज हम अपनी बुआ जी के वहाँ पे जा रहे हैं भाई। ठीक है, तो मैं अपने गांव में जा रहा हूँ अभी, गोलू को लेने जा रहा हूँ, रोहित जो है उसको लेने जा रहे हैं हम, उसके बाद निकलने वाले हैं वहाँ पे। तो भाई लोग ये हमारे गांव की सड़कें हैं, और भाई बहुत अच्छा रोड बन रखा है गांव की तरफ जाने की। अमरूदों के बगीचे हैं, आप देख सकते हो यहाँ पे तगड़ी धूप हो रही है भाई, और हम सारे भाई लोग जा रहे हैं। ये करण भाई इधर बैठा है, दीपेंद्र उधर बिजनेसमैन है, और अभिषेक द बॉडी बिल्डर इधर बैठा है भाई। और हमारा खेत दिखाऊंगा आपको भाई, जहाँ पे खेत हमारा अमरूदों के बगीचे पूरे फार्म हमारा भाई। सो गाइस हम लोग आ गए गुले भाई गाइस में गुले आना तो बंद करे गुले क्या बता गाइस जी, गुले इधर कहीं भी नहीं दिख रहा है। हां यार बोला यार तू फोन कर। अभी हम वेट कर रहे हैं उसका, और देखते कितनी देर में आता है भाई, बहुत लेट हो गया। और अगर मैं चला जाऊंगा 5-2 मिनट में नहीं आया तो भाई इतनी देर में आया ये, बैठ जा चुपचाप इसमें। चलो रिंकू मांग ले रहा हूँ तू फिर ठीक आ जा। तो गाइस सामने जो आप देख रहे हो अभी हमारे गांव के यहाँ के फाटक बंद है, और सामने जो अंकल है अभी तो वो फाटक ट्रेन का इंतजार कर रहे हैं, और साथ में बीड़ी भी पी रहे भाई, यानी बीड़ी बाद अंकल है वो। और करण भाई इंतजार कर रहे हैं बहुत देर से, लेकिन इसके बहुत सारे कॉल आते हैं यार, इसके वहाँ पे ऑफिस से बहुत कॉल आते हैं भाई। पता नहीं इसका शादी में क्या होगा, फेरों में क्या, हमको अटेंड करने पड़ेंगे लग रहा है। नहीं हम सारे डीलर को इसलिए बुला लिया आप भाई, शादी में बुला लिया ताकि कॉल कॉल नहीं करे। ये रहे हमारे अभिषेक हैंडसम भाई जो अभी अभी आए हैं अयोध्या से, और ये रोहित भाई, और पीछे बैठे हैं इधर दीपेंद्र भाई जो कि बहुत ही बिजनेसमैन है, एक बहुत बड़े आदमी है क्या ही बोले। और क्या भाई, हाँ ये अभी कुछ दिनों में इतना ग्रोथ किया इन लोगों ने, क्या ही बोलूं मैं आपको, ऑफ द कैमरा। हाँ वो ऑफ द कैमरा बोल नहीं सकते आपको। दीपेंद्र भाई क्या बोलना चाहते हो आप, मतलब कैसे आपने इतना। हाँ जी गाइस, तो आ गया है उनियारा, और एक वक्त में मैं और करण यहाँ पे स्कूटी लेके आए थे, लेकिन भाई हम ही जानते हैं वो क्या बनी थी भाई। करण भाई बता दो एक बार भाई साहब क्या हुआ था, हमारी स्कूटी है ना उसकी चेन टूट गई थी, और 1 किलोमीटर दूर से हम दोनों धक्का देके लेके आए थे भाई, क्या ही बोलूं मैं। बहुत जयपुर में जाना था, हाँ, और उस दिन जयपुर में जाना था भाई, क्या ही बोले यार भाई बहुत, लेकिन मैं गया नहीं उस दिन, गया नहीं, मैं ट्रेन वगैरह छूट गई थी यहाँ पे, क्योंकि 1 घंटा तो यहीं पे लग गया था। और भाई बहुत दूर तक पैदल पैदल हम लोग लेके आए थे स्कूटी को, लेकिन कभी कभी होता है ना भाई, स्ट्रगल लाइफ भी होती है कभी। आप उस ब्लॉग का रेप देख सकते हैं, उसका लिंक हाँ, भाई उसका लिंक मैं डाल दूंगा भाई, जो ब्लॉग आपको दिखाने वाले हैं भाई, स्कूटी पे कैसे हम लेके आए भाई उसको उस टाइम पे भाई, बहुत कभी भी हाँ लॉन्ग उसमें स्कूटी मत जाओ। लेकिन तू कर सकता भाई, मैं ही तो गया था, और यहाँ पे एक चाय की थड़ी थी इधर आसपास, और यहाँ पे हम हाँ इधर रोकी थी हमने, और यहाँ से वापस लेके गए थे। नहीं वो टपरी है ना, वो सामने दिख रही, वो टपरी उधर भाई, वो टपरी है ना वहाँ पे, वो वीडियो हमारे पुराने उसमें देख सकते हैं। हाँ इसी चैनल पे देख सकते हो आप, और उसका लिंक मैं डाल दूंगा भाई, कितनी परेशानी हुई थी भाई, और किस सब ने स्कूटी को पिकअप में रख के लेके गए थे भाई, भाई साहब बहुत सर दर्द हो गया था भाई। तो पहुंच चुके अपन उनियारा, और यहाँ से थोड़ी दूर है, उसके बाद में टिक्के में एंजॉय करने वाले हैं। आज बुआ जी का टिक्का है, और दीपेंद्र इधर भी सरपंच साहब के छोरे हैं इधर, ये भी इनके प्रधान जी के छोरे हैं, और पुराने 90s के प्रधान है, सोचो आज तो कितने फेमस होंगे। तो ये इधर है, और ये हमारे मीणा समाज की लोहड़ी है भाई। गाइस जी देखिए कैसे कैसे ट्रैक्टर ट्रॉली, बाघ लबदार सुनो कौन था भाई साहब, गांव साइड में जो रोड है भाई अलग ही लेवल की, जो ट्रैक्टर है देखो ऐसे सरसों का जो कचरा है ना उसको लेके आते हैं ऐसे करके, और भाई क्या ही बोले भाई, पूरा रोड है ना ब्लॉक कर दिया इधर, और
हमको हाईवे पे आने में इतना टाइम नहीं लगा जितने इस गंदे वाला रोड पे आने में लग गया हमको। तो गाइज आपसे पूछता हूँ मैं सवाल, हमारे जो प्रधान जी है उनके बच्चे से पूछता हूँ कि भाई रोड क्यों नहीं बना, भाई रोड क्यों नहीं बना बता, इतने पैसे कहाँ खाए तुमने भाई? ये सरपंच साहब सब इनके जानकार है, विधायक बाबू सब इनके जानकार है, फिर भी रोड नहीं बनाते। हंस रहा है फिर, अरे बजट पास हो गया, बनेगा। कब बनेगा यार? कब बनेगा? बनेगा बस गाइस क्या बताया, उधर देख रहा है कैमरे में देख के बता यार, फिर टाइम लगेगा इन चीजों में। प्रधान जी के पास फोन मिला, प्रधान जी। तो भाई साहब प्रधान जी इसके दादाजी है प्रधान जी, और कोई काम नहीं करवाते ये, जब से मैं आया हूँ आज से 10 साल पहले मैं आया था, आज भी पैसे के पैसा ही है, सारे पैसे ये लोग जेब में खाते हैं, पता नहीं क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं। ओके गाइस, तो भाई पहुंचते हैं फिर, और ये लोग पता नहीं नेता लोग सारे ऐसे होते भाई। भाई साहब क्या ही बोले यार, ये सारे साढ़े ट्रैक्टर कैसे आ रहे हैं, हमको नीचे घुसाने पड़ रहे हैं भाई, देखो इतनी नीचे जाके घुसाने पड़ रहे हैं, देखो इतना चौड़ा चौड़ा वो कहते हैं, और गाड़ी का पूरा ट्रेस हो सकता है भाई, ये देखो आगे हो रहा है, अरे खाड़ा देखो खाली हो गया खाड़ा पूरा, भाई साहब ये पूरे से पूरे रास्ते में ये ट्रैक्टर ट्रैक्टर आ रहे, क्या ही बोले भाई साहब, बहुत अलग ही लेवल। बाइक वाला बगाता हो ज्यादा सपट सपट बोल ये ले। तो भाई लोगों अपन जा रहे समय दी, अपन पीछे बैठे प्रधान जी का लड़का है, इसके घर पे जा रहे हैं, इसके गांव में जा रहे हैं, तो पूरा खर्चा इसका है, जो भी खर्चा होगा ना आज, चाहे 1,000 हो 2,000 हो 3,000 हो, इसका ही खर्चा रहेगा आज, और नॉर्मल खर्चा है तो हमारा कोई दिक्कत नहीं है, इससे ज्यादा भी जाएगा कोई दिक्कत नहीं आज। तो दीपेंद्र भाई आज तेरे गाँव आए हैं, सेवा पानी फुल रखना भाई, ठीक है, और 2-4 दिन बाद में वापस आएंगे, और यह वो तो करना ही पड़ेगा भाई। तो अब देखते हैं क्या सीन रहता है, और ये क्या मुकरता है नहीं मुकरता वो आपको वीडियो में पता चल जाएगा, ठीक है, तो मिलते हैं। ओ भाई साहब, भाई साहब तो हम अरे भाई है अर्जित भाई है सब, अपने यहाँ पे चल रहे हैं अभी प्रोग्राम वगैरह, मोहित भाई है अपने, मैं टेंशन लग रहा है। तो भाई लोगों हम खाना खा रहे हैं, और दीपेंद्र भाई है रायते मिल रहे हैं, दीपेंद्र आड्रे दीपेंद्र गाँव जो हाँ मिल रहे हो सब करण भाई, पिज्जा पिज्जा कोई बात भाई, ये मनोज भाई ये पपीता खा रहे हैं, अब केला रखा है केला भी खाएंगे, इनको केला खाने का बहुत शौक है। और ये अभिषेक भाई, ये हमारे बनाजी, और ये हमारे विनोद भाई, और इन भाई को मैं भी नहीं जानता। तो गाइस आज हम यहाँ पे आए हैं टीके में, और सामने देख रहे हो यहाँ पे शादी वगैरह हो रही है, मोहित भाई यहाँ पे है, देखो सेम टू सेम मैक्सटन की तरह लग रहा है ना, मैक्सटन की तरह छोटा भाई है मैक्सटन का, ये आप सेम टू सेम मैक्सटन की तरह लग रहा है भाई, ये एकदम सेम डिटो। और इधर हमारी पेरावनी वगैरह जो भी हो रही है इधर साइड में हो रही है, और महाराज जी बताओ मेरे को लगन टिका कब आपका? 15 को लगन टिका है, शादी कब है भाई साहब? 23 तारीख को बना जी शादी है, और जो भी लोग देख रहे हैं भाई जरूर पता रहे भाई, स्वागत है आप सबका। और ये अपना गोलू भाई, और सामने है अपने रिंकू भाई है, रिंकू भाई बोलो कुछ। सब बढ़िया ओके भैया, छोटे बच्चों में ठीक है भाई, लेके चलते ओके भाई ठीक है। हमारे साथ चलेगी तो चलेगी हमारे साथ, चल आ जा हमारे साथ, चल आ जा, गिर जाएगी, गिर जाएगी। क्यों क्या हो गया? तो गाइस सुबह हो चुकी है हमारी, और
सामने देखिए, सामने का व्यू, हमारी गाड़ी वहाँ पे खड़ी है। करण भाई अभी तक सो रहे हैं और दीपेंद्र ये पढ़ाया था। एक चीज़ और दिखाता हूँ मैं आपको भाई, इधर सामने है तालाब और यह बहुत बचपन में बहुत बड़ा लगता था लेकिन अब छोटा हो गया है हमारे हिसाब से। दीपेंद्र भाई का घर है और रात में यहाँ पे आके सोए तुम, छत पे सोने का मजा ही लगा भाई साहब। और देखो दिखाता हूँ मैं आपको इधर, तो गैस अब गाड़ी में ही चाय आ चुकी है और अब यहाँ से निकलेंगे थोड़ी देर में, गाड़ी वाड़ी स्टार्ट करके और चलेंगे गांव में। ये देखो बोतल वगैरह खेतों में जाके, समझ तो आप गए होंगे। और अब हम जा रहे हैं वापस से, हाँ गांव में अलग ही माहौल रहता है भाई, बाहर जाने का मज़ा ही अलग है। इस चीज़ को कुछ और समझ मत लेना कि यार ऐसे वैसे भाई, देखो कभी कभी लाइफ में 100 में से एक दिन बाहर भी जाओ कोई दिक्कत नहीं हुआ, ठीक है। ये मामा जी का पेट्रोल पंप है, चलते हैं यहाँ पे। तो भाई साहब अभिषेक अब तेल भरेगा, अभिषेक भाई अब गाड़ी में तेल भरने वाले हम अब, और हमारे पेट्रोल पंप से इससे। ओ ये रहा दीपेंद्र, देखते पहली बार कैसे भरता है पेट्रोल। नया बुलाया हमने सेल्फ में, नया लगाया भाई दीपेंद्र, कौन से हाँ। और हमारे बड़े भाई जो है वो चेक कर रहे हैं पेट्रोल पंप को पूरे, क्योंकि वो आयुष सील के ऑफिसर है। ठीक है फोटो खींचेंगे ठीक है। तो गाइस आज हम आए पेट्रोल पंप पे, हमारे मामा जी का पेट्रोल पंप है, और यहाँ पे आए हम, यहाँ पे आए थे क्योंकि रात जहाँ पे प्रोग्राम था उसके जस्ट पास में पेट्रोल पंप है। हमारा जो बड़ा भाई है वो इंडियन ऑयल में है, तो अभी यहाँ पे मतलब नॉर्मली ऐसे ही कर रहा है, अभी कौन कौन सी कमी है इसमें वो सारी चीज़ें हैं। तो ये इधर पेट्रोल पंप है अपना, और अभी तक तो 3-4 साल हुए हैं इसको, तो थोड़ी अभी इसमें कुछ चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें बाकी है। बहुत बढ़िया चल रहा है भाई, और क्या? अपने निर्णवा साइड में बहुत शानदार चल रहा है पेट्रोल पंप। ये अपना भाई है मालिक, बुलाओ मालिक, एकदम क्या बताऊं आपको, लालची आदमी है मालिक, पैसे वाला। हाँ मतलब अभी आएगा थोड़ी देर में, कल बता रहे ना आपको प्रधान जी का पता। ये आ गया सीमाई प्रॉपर्टी, एक बार ये आ गया सीमाई प्रॉपर्टी। ये मामा को शोर होते गाय से हो बना काम को, लाइक कमेंट शेयर करो। तो गाइस जो बना काम को मामा को छोड़ दियो काले खाड़े में चौका, और एक दो काले खाड़ो और कमेंट में चौका, ठीक था जाओ जाओ पेट्रोल पंप पे। हाँ बढ़िया सेल हो रही है इसकी, मेन चीज क्या है नहीं इनका व्यवहार सही है गांव में, तो उस वजह से इमेज भी बढ़िया है, प्लस मतलब बढ़िया काम, मतलब पेट्रोल वगैरह बढ़िया देते हैं, मिलावट नहीं रखते और उधारी भी चलते गांव में, तो उधारी चलते खूब इधर मिलावट कितने करते हैं लोग है ना, ये मतलब जुड़े हुए हैं दिल से, दिल से नहीं लाइक कई जो मतलब थोड़ा होता है ना इमेज बढ़िया है ना, हाँ, बना के रखते हैं सही बात है, इनकी इमेज बढ़िया है भाई पूरे समय दिन बहुत, हाँ लेकिन इसकी इसकी नहीं चलती, इसकी इसके इसके पापा वगैरह इनकी चलती है, ये भी ना काम का है। और देखो आगे थोड़ी चले जा रही लड़कियाँ, ओ भाई। तो गाइस ये लोग गाड़ी में से निकल के आया था बाहर, और फिर गाड़ी यहाँ चिल्लाने लगी थी हर बार, तो अंदर वेट करके आया था। तो हाँ निकाल रहे हैं तेरे फोटो। हाँ जी गाइस तो अब जा रहे हैं यहाँ से हम गांव, और निकल चुके हैं। सिगरेट मेरा पूरा क्यों चाहती है, ये मुझसे जलती है क्या? वाह क्या शायरी मारी भाई तूने। तो अब निकलते हैं यहाँ से और गांव सवाई माधोपुर के लिए, पूरे प्रोग्राम वगैरह देख लिया हम, अब हमारा खुद का प्रोग्राम है भाई यार, ऐसी मजो ना हो जाए, अपने भाई की शादी है भाई साहब, क्या ही बोले, ठीक है भाई। तो भाई आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करते हैं, आई होप आप सबको अच्छा लगा होगा ये ब्लॉग, थैंक यू सो मच, लव यू।